नमस्कार, वंदन, प्रणाम, कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे, अनुभव करें समय की धारा किस तरह से बहती जा रही है। अभी अभी सोमवार का प्रागट्य, मंगल प्रभात का प्रागट्य, समय का बहना और धीरे 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 संध्या का अवतरित होना, सोमवार की पवित्र संध्या अवतरित होने को जा रही है। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को, हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। कई बार जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं होती है कितने विस्तार की ओर ले जाती है। मैं मेरे जीवन का एक आपको बनाव कहूँ, इंसिडेंस कहूँ। मैं बहुत छोटा था, बाल मंदिर में पढ़ता था। एक दिन जो मेला चलता था उसमें हमारे घर का एक सर्वेंट, वो भी उसकी उम्र अभी बहुत नहीं होगी, 14-15 साल की उम्र थी, वो मुझे लेकर मेले में ले गया। मैंने पहली बार मेला देखा और मेले में घूमते घूमते जो कार्ड होते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो पत्ता को क्या कहते हैं, ताश के जो पत्ते थे वो मुझे बहुत आकर्षित करने लगे क्योंकि उसमें बहुत रंग थे और उसका आकार भी। तो उसने मुझे कहा कि तुझे लेना है, तो मैंने कहा हाँ ये मुझे लेना है। तो उसने मुझे वो जो ताश था उसका जो पैकेट था ले लिया। मुझे रंग बहुत आकर्षित, मैं कुछ जानता नहीं था कि ये इस तरह से खेला जाता है या, और मैंने कभी खेला भी नहीं मेरे जीवन में, लेकिन जो रंग और आकार थे, चित्र का मुझे बहुत शौक रहा बचपन से, पेंटिंग और जो आकार थे आकर्षित कर रहे थे। तो बस मैंने तो वो ही लिया, बाकी मुझे मेले में कोई रस न रहा। ये लेकर मैं घर पर आया, मैं उससे उसको खोल के खेल रहा था। मेरे पिताजी का मिजाज बहुत गर्म था, वो आए, उसने देखा कि मैं इस कार्ड से खेल रहा हूँ। उसने कहा तू ताश से खेल रहा है। उसने जरा सी मुझे ऐसे, मैं बहुत थका हुआ था, बस इस तरह का ही यही वातावरण होगा, उसने मुझे थोड़ी सी ऐसे थप्पड़ जैसा मारा मुझे ऐसे, मैं एकदम खड़ा हो गया और रोने लगा। जैसे रोने लगा, उसके सामने कोई रो नहीं सकता, मैं रोया, चिल्लाया। उसने कहा घर से बाहर निकल जाओ। मुझे अंदर से ऐसा आया मैं कभी घर नहीं आऊँगा। मैं रोते रोते घर को छोड़कर गांव का जो गांव की गली में से ऐसे गुजरते हुए, सब देख रहे हैं क्योंकि संध्या का समय है, गाँव का वातावरण है, सब बाहर है, और मैं रोता 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 गांव की सरहद होती है वहां तक, वहां पर एक धर्मशाला थी, वहां जाकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे हुआ मैं कभी भी घर वापस नहीं लौटूंगा। अब ऐसा समझो मुझे वहां पर सन्यास अनुभव हुआ भीतर से कि मैं घर पर वापस नहीं लौटूंगा। मैं रोता रहा और ना मुझे कोई डर लगा कि क्या होगा मेरा अगर मैं घर नहीं जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी माँ को मिल नहीं पाऊंगा, और इसके साथ साथ मुझे जो स्मरण आया वो क्या आया कि जो हमारा बंगला था, और ये वक्त जब लालटेन जलाते थे, जब शाम ढलती थी और मैं एकांत में बैठ के जो अंतरनाद सुनता था, और ख़ास करके इसमें मुझे सुनाई देता था राग दुर्गा, मुझे इसकी चिंता हुई कि मैं नहीं घर पर वापस गया तो ये मैं सुन नहीं पाऊँगा। इतने में जो सर्वेंट था मुझे लेने के लिए आया, उसने मुझे बहुत अच्छा समझाया कि देखो पिताजी तो मेरे उसके थे नहीं, लेकिन उसने कहा कि सबके पिताजी होते हैं, वो ऐसे तो सबको डांटते हैं, तुझे तो क्या, उसने ऐसे ही खाली सर पे हाथ रखा और तू रोने लगा तो फिर तो वो भी गर्म हो जाए ना, ऐसा ऐसा समझाया उसने। तो मुझे भी समाधान हो गया अंदर से कि वहाँ ठीक बात है, उससे सच्ची बात है,
मेरे पिताजी ने थोड़ा मुझे कोई थप्पड़ मारा ऐसे जोर से, खाली ऐसे हाथ रखा और मैं ही चिल्लाया रोया उसके सामने, तो उसने कहा घर छोड़ दो। तो मेरे धीरे धीरे बदल गया, लेकिन यहाँ पर यहाँ से मेरे भीतर एक बात शुरू हो गई। उस दिन से मैं घर पर आया, मैं ऐसे रहा, मुझे भीतर से कोई पिताजी के प्रति क्रोध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे रहा जैसे मुझे नफरत हो उसके, मैं उसका मुंह देखूं ही नहीं। और इस तरह से मैं छोटा था फिर उसके साथ ऐसा वर्तन करने लगा। फिर ऐसे ही शाम ढली, लालटेन जली, और मेरा जो दिनचर्या थी, मेरी दिनचर्या, मैं एकांत में चला जाता था, मैं एक कोने में बैठ गया और जो सुनाई दिया वो राग शुद्ध सावेरी के स्वर। उस वक्त मैं ये कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे 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 मुझे पता चलने लगा कि ये जो राग है इसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध सावेरी कहते हैं। मैं इस राग का वर्णन करूं तो पवित्रता, सुंदरता और माधुर्य का समन्वय अर्थात शुद्ध सावेरी। आप मेरी बात मान मत लेना, आप स्वयं सुने और नृत्य का दर्शन करें। आप जो मेरा श्रृंगार देख रहे हो ये भी उसी समय का, धीरे धीरे मेरे सामने जो दर्शन प्रकट हो रहा था वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगा। और देखो कैसा होता है कि आज जो मैं दर्शन करता था शुद्ध सावेरी राग का, वो ही श्रृंगार आज मैं मेरे शरीर पर धारण किए हुए हूँ। ये जो इंसिडेंस था, मुझे वहाँ से एक बात शुरू हो गई उस शाम से कि मैं 40 साल के बाद घर में नहीं रहूँगा। और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मुझे स्पष्ट होने लगा कि मैं जो कॉलोनी में मनुष्य का जीवन है, ये भी मुझे भीतर से आने लगा कि ना, मैं मेरा जीवन इस तरह से नहीं बिताऊंगा। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स कहूँ कि मैं छोटा था, मुझे जो बंगला की डिज़ाइन अच्छी लगे, बहुत छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, मैं बंगला को देखता रहूँ। मैंने डांट भी बहुत खाई है चौकीदार की, और प्रेम भी बहुत पाया है चौकीदार का। वो मुझे पास में बिलाते थे कि मैं ऐसा तो लगता नहीं था कि मैं कोई चोर हूँ या मैं कुछ चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन कई चौकीदार मुझे डांटते थे कि तू कर क्या रहा है, क्या देख रहा है। मैं देख रहा था कि ऐसा बंगला अगर मेरे पास हो तो मैं उसमें रहूँ, या मैं 40 साल के बाद ऐसा बंगला भी छोड़ दूँ। तो मेरे प्राण जो भीतर से ऐसा ही कहते थे कि ना, 40 साल के बाद मैं रहूँगा तो जंगल में ही रहूँगा। और उस समय मुझे शिव मंदिर, जो जंगल में होते थे, सब मंदिर का वातावरण अच्छा लगता था, लेकिन जो शिव मंदिर था एकांत का, जंगल में झरना बह रहा है और शिव का मंदिर है एकांत, कोई है ही नहीं। हाँ, कभी कभी शिव का महोत्सव हो तो वहाँ पर गिरदी होती है, बाकी एकांत जो था वो मुझे बहुत पसंद था। उस वक्त मुझे ऐसा था कि बस 40 साल के बाद ऐसा कोई, मैं एक मंदिर चुन लूँगा और वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन ये जो कॉलोनी है इसमें मेरा जीवन मैं नहीं बिताऊँगा। ये भीतर से मुझे मेरा स्वभाव का दर्शन स्पष्ट होने लगा। आज जो आपके समक्ष में 3 नृत्य सबर प्रार्थनाएं प्रकट कर रहा हूँ, ये आज प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन इसका संबंध जो मैं कहता हूँ, मैं मेरे बंगले में बैठता था और जो अज्ञात से रचनाएं सुनाई देती थी उसमें से 3 रचना है। प्रथम शिव की प्रार्थना है, अद्भुत रचना, मैं कुछ नहीं कहता, आप स्वयं अनुभव करें। दूसरी जो रचना है ये राम सीता का जो त्यागराज वर्णन कर रहे हैं, पहली रचना भागवतार स्वामी जी की है, दूसरी रचना है त्यागराज की। वो कहते हैं मेरे में कमी क्या है, मेरा जो जीवन है आपको ही तो समर्पित है, मैं आपको ही तो भगवान मान रहा हूँ, आप मेरी केयर करो, आप मुझे उठाओ, मेरा जीवन उठाओ, इस तरह का इस प्रार्थना का सार है। और तीसरी रचना है, ये है मुक्त गति तिलाना, शुद्ध सावेरी तिलाना। मैं इसके बारे में ऐसा कहूँगा, कहता ही रहूँगा कि जो नृत्य दर्शन है, खास करके जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का दर्शन है, उसे आपका दर्शन, आपका देखना, श्रवण
कानों से सुनना, नृत्य रचना को सुनना, उसे हृदय के साथ जोड़ो। मस्तिष्क जरूर काम करेगा कि इसका क्या अर्थ है, ये मुद्रा क्या हो रही है, लेकिन आप ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपको विश्राम में ले जाने की प्रक्रिया है, टेंस होने की प्रक्रिया नहीं। नृत्य सुदर्शनम आपको परम विश्राम की ओर ले जाने की प्रक्रिया है, श्रवण के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। और ये इस तरह की प्रक्रिया है कि आप मस्तिष्क को विराम ही दे दो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये रचना क्या है या मैं क्या करने को जा रहा हूँ। इतना अद्भुत रहस्य भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पूरे जगत को निमंत्रित करूँगा मेरी दिनचर्या में। मेरी जो दिनचर्या है, संध्या समय जो शिष्य मेरे साथ है, उसको भी मैं दृष्टिकोण देता हूँ कि संध्या का जो समय है, इसमें हम पवित्र रागों का, पवित्र प्रार्थनाओं का श्रवण करें, नृत्य दर्शन भी करें, आप स्वयं भी नृत्य में उतरे और पवित्र शक्ति का अनुभव करें, पवित्र जीवन का अनुभव करें। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए, शुद्ध सावेरी राग पर आधारित नृत्य सवर प्रार्थनाएं नृत्य सुदर्शनम की ओर प्रस्तुत।